In this topic, elemental properties is your unit number one. In this, we have studied about the discretization method, finite element method, finite difference method, finite volume method, CE tools, just like preprocessor, solver, and post-processor. This syllabus you are taking in this lecture. Okay, first one is discretization method. Discretization method means if any, you can think on any example. Agar samjho aapne ek example liya ki you have a rod. Ek rod hai aapke paas jiska diameter hai 25 mm. Okay. Aur uska length hai total 200 mm. 200 mm length ka rod liya hai aapne aur 25 mm uska diameter hai. आपने एक एंड को उसको फिक्स सपोर्ट दिया और दूसरे एंड को उसको फोर्स दिया, तो आपको वो कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल हो जाता है. कैंटिलीवर बीम ने आपको डिफॉर्मेशन डेल्टा एल और सिग्मा मतलब स्ट्रेस निकालने का है, तो आप बाय हैंड कैलकुलेशन उसको निकाल सकते हो. ओके, बट बाय कंप्यूटर मीन्स बाय फाइनाइट एलिमेंट मेथड दिस मॉडल इज कंसिडर्ड इनफिनाइट. इनफिनाइट क्यों कंसिडर हो जाता है? अगर आपने पेन एक रॉड लिया, रॉड का डायमीटर आपको मालूम है 25 mm, लेंथ है 200 mm, तो इनफाइनाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि एज पर सॉफ्टवेयर ये कंसिडर करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कनेक्टेड है. अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर कंसिडर इट एज अ नोड, और जो उसका जो कनेक्शन लिंक है एक दूसरे के साथ उसको कंसिडर करेंगे एलिमेंट. ओके, तो नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम लोग उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इट्स अ अनलिमिटेड मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन दैट बॉडी. ओके, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर यूज करना है और सॉफ्टवेयर थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं और नंबर ऑफ नोड्स भी इनफाइनाइट होते हैं. तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट और नोड को फाइनाइट में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी उसको डिवाइड करता है. मतलब एक सॉफ्टवेयर उस बॉडी को डिवाइड करेगा. डिवाइड करते टाइम उसको हम लोग बोलते हैं मेशिंग. मतलब डिस्क्रिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग बॉडी इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एसोसिएट विद नोड इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. मीन्स discretization is also known as a meshing. Means discretization means हम लोग वो जो बॉडी है उसको नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करेंगे. जैसे वो डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट है उसको हम लोग नोड बोलेंगे, और दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो भी है लाइन है उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे. जस्ट लाइक योर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट बॉडी. मतलब हम लोग जब एक आपको वो एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, एक रॉड लिया तो उसको नंबर ऑफ एलिमेंट क्यों अनलिमिटेड क्यों मतलब इनफाइनाइट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, तो उसको कन्वर्ट करते हैं फाइनाइट में, इसलिए उसको बोलते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस. मीन्स इनफाइनाइट बॉडी को फाइनाइट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसका एनालिसिस होता है, इसलिए उसको फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस बोलते हैं. और डिस्क्रिटाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट दैट इनफाइनाइट बॉडी इनटू फाइनाइट. जो भी इनफाइनाइट बॉडी था उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करना और उसको प्रॉपरली फाइनाइट में लेना, उसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन. ओके, डिस्क्रिटाइजेशन अभी समझ में आया. ओके, तो इसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट इज एसोसिएट विद द एक्चुअल फिजिकल बिहेवियर्स ऑफ द बॉडी. मतलब हर एक एलिमेंट उससे बिहेवियर फिजिकल और एनी अदर बिहेवियर वो फॉलो करेगा जो बॉडी का है. मतलब बॉडी का जो यंग मॉडुलस है वही उस एलिमेंट का यंग मॉडुलस रहेगा. बॉडी का जो पॉइजन रेशियो है वही उस एलिमेंट का पॉइजन रेशियो रहेगा. बॉडी का जो थर्मल कंडक्टिविटी वही थर्मल कंडक्टिविटी उस एलिमेंट में रहेंगे. मतलब एलिमेंट शुड बी follow the all behaviors of that body. Total number of element involved and their size variation within a given body are matters of engineering judgment. मतलब कितना number of element और कितना number of nodes देने का है वो judgment के ऊपर depends करता है. मतलब आप fine meshing करोगे, ज्यादा minimum size of element लोगे तो number of nodes और number of element बढ़ेंगे. अगर आप थोड़ा rough में meshing करेंगे ओके, उसको
FEM सॉफ्टवेयर में बोला जाता है कोर्स, कोर्स मतलब थोड़ा रफ साइज होता है, रफ में या कोर्स में आप मशीन करोगे तो उसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ नोड्स कम रहेगा. ओके, द साइज ऑफ एलिमेंट शुड बी ऑप्टिमल. ऑप्टिमल मतलब जो उसमें पूरी बॉडी कवर हो जाएगी वो साइज हम लोग लेते हैं. द स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिस्क्रिप्शन शुड बी प्रोसीड यूजफुल रिजल्ट एंड अवॉइड द कंप्यूटेशनल एफर्ट. मीन्स स्मॉलेस्ट, अगर आपने सबसे स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट लिया तो उसका डिस्क्रिप्शन प्रोसेस इज बेस्ट रिजल्ट. मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ज्यादा मिनिमम साइज ऑफ एलिमेंट लेना पड़ेगा, उससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ओके, द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एलिमेंट इफ रिजल्ट वेरी रैपिडली एंड इंटू द लार्जर एलिमेंट इफ रिजल्ट इज आर कॉन्स्टेंट. ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ नोड्स डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट चूजन. मीन्स बॉडी में अगर आप स्मॉलर एलिमेंट सोल्ड करते हो और उसमें रैपिडली और लार्जर रिजल्ट में कुछ ये होता है चेंजेस होते हैं, तो आपको फिर से मेशिंग का और डिस्क्रिप्शन का एलिमेंट साइज चेंज करना पड़ेगा. और जैसे ही वो कॉन्स्टेंट लेवल पे आता है तो उसको आपको स्टॉप करना है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी इज डन बाय यूजिंग द मेश जनरेशन प्रोग्राम. मीन्स मैंने आपको जो बोला था वही है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोसेस अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे तो वहां पे मेश जनरेशन प्रोग्राम दिखाई देगा, मतलब वहां पे बोलेंगे कि मेश जनरेट करना है. ओके, उसके लिए हम लोग एक सैंपल देखते हैं. एंसिस 14.5 वर्क बेंच हम लोग ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन के. ओके, ये हम लोग पूरा करेंगे तब तक ये प्रोग्राम ओपन होता है, तब तक हम लोग आगे का देखते हैं. ओके, डिस्क्रिप्शन हो गया. अभी फाइनाइट एलिमेंट मेथड. फाइनाइट एलिमेंट मेथड इज अ ऑप्टिमल मेथड दैट सब डिवाइडेड द कैड मॉडल इनटू वेरी स्मॉल बट फाइनाइट साइज एलिमेंट ऑफ द ज्योमेट्री इन सिंपल शेप्स. मींस फाइनाइट एलिमेंट मेथड इनफाइनाइट बॉडी को फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं, जो कैड मॉडल है उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं और वेरी सिंपल शेप देते हैं. ओके, द कलेक्टिव ऑफ ऑल दो सिंपल शेप्स कंसिस्ट ऑफ सो कॉल्ड फाइनाइट एलिमेंट मेश. मींस जो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट और ऑल शेप से उसको हम लोग फाइनाइट एलिमेंट बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ टू टेकन द फील्ड इक्वेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई. मतलब जब फाइनाइट एलिमेंट मेथड मींस क्या, फर्स्ट बॉडी को डिवाइड करना है मेशिंग में, उसके बाद उसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए डालेंगे. मैथमेटिकल कैलकुलेशन डालने के लिए हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं, और जो बाउंड्री कंडीशन है वही बाउंड्री कंडीशन मैथमेटिकल इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं. ओके, और उसके अगेंस्ट उसके फॉर्मूले डिजाइन किए जाते हैं. ओके, तो बाउंड्री कंडीशन में क्या रहेगा, कहाँ पे फोर्स लगाना है, कहाँ पे फिक्स सपोर्ट देना है, कहाँ पे बेयरिंग सपोर्ट देना है, एग्जैक्टली वो बॉडी के अंदर कितना हीट रहेगा. अगर हीट का प्रॉब्लम है, अगर हीटिंग का इशू है, तो फिर हीट का भी उसको इन्वॉल्वमेंट आएगा. देन दिस इज हैंडल्ड बाय अप्रोक्सीमेटिंग द फील्ड विद इन ईच एलिमेंट एज अ सिंपल फंक्शन सच एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फाइनाइट नंबर रहेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर ये पूरा बॉडी कंसिडर किया जाएगा. उसके बाद जो भी है वो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशंस हम लोग उसमें अज्यूम करेंगे. दिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट लोकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिक्स फिजिक्स बाय द सेट ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन. मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्जन हो जाएगा व्हेन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल एलिमेंट आर असेंबल यू एंड एड अप टू द लार्ज स्पेस मैट्रिक्स इक्वेशन सिस्टम कैन बी सॉल्व बाय एनी नंबर ऑफ वेल नोन स्पेयर मैट्रिक्स सॉल्वर. मतलब ये जो होगा उसके बाद उसका जो भी इक्वेशन से उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और मैट्रिक्स कन्वर्जन के बाद मैट्रिक्स उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, और मैट्रिक्स सॉल्यूशन वे गो फॉर द मैट्रिक्स सॉल्यूशन मीन्स फाइनाइट एलिमेंट मेथड. अभी फाइनाइट डिफरेंस मेथड. पहले हम लोगों ने देखा कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड में स्टेप्स क्या है, पहले डिस्क्रिप्शन करो, मेशिंग करो, मेशिंग के बाद उसको डिवाइड करो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में. वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट के जो भी हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एफ डी ई. मतलब
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पॉलिनोमियल में अगर जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन में जाएंगे, लीनियर इक्वेशन को हम लोग असेंबल करेंगे और असेंबली को एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा, और मैट्रिक्स का जो भी है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स डिवाइडेशन, मैट्रिक्स का सॉल्वर यूज होगा और मैट्रिक्स का सॉल्व करके हम लोग को एक सोल्यूशन दिया जाएगा, जो सोल्यूशन हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रहेगा, और जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसको, इस पूरे मेथड को हम लोग फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अभी नेक्स्ट आता है फाइनाइट डिफरेंस मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड इज द मोस्ट डायरेक्ट अप्रोच टू डिस्क्रिप्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस यहां पे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, इसलिए फाइनाइट डिफरेंस मेथड उसको बोला जाता है। मतलब उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल जो भी इक्वेशन है वो डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है। यू कंसिडर अ पॉइंट टू स्पेस वेयर यू कैन टेक द कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन एंड रिप्लेस विद द सेट ऑफ डिस्क्राइब इक्वेशन कॉल्ड एज अ फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड। मींस फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड और फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड बोथ आर द डू द सेम वर्क, सेम कंसिडरेशन रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा, लेकिन फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड में उसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा और फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड में विदाउट मैट्रिक्स डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये बेसिकली डिफरेंस है। द CAD मॉडल इज देयरफॉर नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर द इररेगुलर CAD ज्योमेट्री बट मोर ऑफ्टन टू रेक्टेंगुलर और ब्लॉक शेप मॉडल। मींस इररेगुलर अगर CAD मॉडल रहेगा जिसके अंदर सर्फेसेस है या कुछ अलग शेप है तो वो फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड में सॉल्व नहीं होगा। जो भी सिंपल और एकदम बेसिक शेप से रेक्टेंगुलर और ब्लॉक शेप, ब्लॉक शेप ये फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स शेप आएंगे तो फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड में सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। फाइनाइट वॉल्यूम मेथड ये सेम फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड के ऊपर ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम मतलब ज्योमेट्री के अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो कंसिडर हो जाता है। वो ये जो मेथड है ये मेथड बेसिकली यूज हो जाता है सीएफडी के लिए। सीएफडी आपने अंदर देखा रहेगा तो पाइप बाहर का मटेरियल रहेगा, CAD मॉडल में खाली पाइप दिखाई देगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है पाइप के थिकनेस के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो होने वाला है वो एफडी में कंसिडर नहीं होता है। फाइनाइट वॉल्यूम मेथड में क्या होगा कि उसका जो अंदर का जो वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है, वो कंसिडरेशन होगा। इसके लिए फाइनाइट वॉल्यूम मेथड इज द सेम एज अ फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड बट इट इज अ यूज फॉर द वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री, मतलब जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम बढ़ता या कम होता जाएगा उसको ही फाइनाइट वॉल्यूम मेथड बोलेंगे, और वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा अगर वॉल्यूम फ्लो है तो उसको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। मतलब फ्लूइड डायनामिक्स के जो भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर थ्रू या फाइनाइट एलिमेंट थ्रू जो भी सॉल्व हो जाएंगे उसको कंप्यूटेशनल फ्लूइड सीएफडी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, मतलब तीन अलग अलग मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैठेंगे तो तीन अलग अलग मेथड हो जाते हैं। अभी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन थ्री मेथड्स। ईच मेथड इज अ क्वाइट सिमिलर इन दैट इट इज रिप्रेजेंट एज स्कीमेटिक न्यूमेरिकल मेथड फॉर द सॉल्विंग PDE means हम लोगों ने देखा था यहाँ पे PDE means partial differential equation। Partial differential equation solve करने के लिए हर एक partial differential equation ही solve किया जाएगा हर एक method में, no other is used। मतलब हर एक इसमें partial differential equation ही solve हो जाएगा। One most important difference is ईज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वही मेन डिफरेंस है। अ कॉमन ऑप्शन इज दैट फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड इज द इजिएस्ट आर इम्प्लीमेंटेड एंड द फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट डिफिकल्ट। मीन फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड इज इजी होता है और फाइनाइट इलिमिनेशन मेथड इज डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करता है लेकिन उसमें ज्योमेट्री जो है वो एकदम सिंपल ज्योमेट्री यूज होती है, और फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड इलिमिनेशन मेथड में डिफिकल्ट होता है पर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी सॉल्व हो जाती है। ओके, तो
हम लोग हर एक इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा एग्जांपल मोस्ट सुटेबली, कौन सा अभी फाइनाइट एलिमेंट मेथड में देखा जाएगा तो ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हीट एनालिसिस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कौन सा भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस रहने दो, डोमेन एनालिसिस रहने दो, हर एक एनालिसिस आपको फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में दिखाई देगा। अगर आप फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड की बात करोगे तो वेदर द कैलकुलेशन एरोस्फिजिक्स या फिजिकल जो भी, और कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो भी प्रॉब्लम है और स्पेशल इफेक्ट के जो भी प्रॉब्लम है वो फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं। और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड जो मैंने आपको बोला था सीएफडी हीट ट्रांसफर का केमिकल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम फाइनाइट वॉल्यूम मेथड थ्रू किए जाते हैं। ओके, तो अभी सीए टूल, सीए टूल्स मीन्स क्या, फाइनाइट एलिमेंट मेथड सॉल्व करने के लिए सीए टूल्स यूज होता है। ओके, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग टूल्स। ओके, जिसके अंदर क्या रहता है, प्री प्रोसेसर, सॉल्वर और पोस्ट प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर में हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मॉडलिंग में ज्योमेट्रिक रहता है, जो ज्योमेट्री अप्लाई किया जाता है, ज्योमेट्री इंपोर्ट करना है, ज्योमेट्री में कुछ भी एडिटिंग की जरूरत है तो एडिटिंग करो, अप्लाइड लोड, अप्लाइड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, कि अगर टेम्परेचर है क्या है तो वो हम लोग क्रिएट, एफईएम मॉडल मतलब मेशिंग करो, और डिफाइंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। प्री प्रोसेसर के अंदर हम लोग को ज्योमेट्री इंपोर्ट करना है, ज्योमेट्री को जो भी एडिटिंग या एड एडिटिंग करना है, उसके बाद अप्लाइड लोड, अप्लाइड कंस्ट्रेंट। अप्लाइड लोड में हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, कुछ फिजिकल लोड है या कुछ लोड है उसके ऊपर, इंपैक्ट लोडिंग है, वाइब्रेशन पर कुछ हैम्परिंग है, वो सब हम लोग ऐड करेंगे। अप्लाइड कंस्ट्रेंट में फिक्स सपोर्ट है, बाउंड्री सपोर्ट है या बेयरिंग सपोर्ट है, वो सपोर्ट हम लोग ऐड करेंगे। क्रिएट एफईएम मॉडल मींस, एफईएम मॉडल मींस फाइनाइट एलिमेंट मेथड मॉडल बनाने का, इसके लिए डिस्क्रिटाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन इटसेल्फ एज अ मेशिंग, उसके बाद डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टी, ये सब प्री प्रोसेसर में होता है। प्री प्रोसेसर में सब लोग हम लोग ये करते हैं, बाद में उसको हम लोग सॉल्व के लिए डालते हैं। सॉल्व के लिए डालेंगे तो उसको सॉल्वर यूज होता है। सॉल्वर में फाइनाइट एलिमेंट मेथड है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन या मैट्रिक्स का जो भी है वो सब कन्वर्ट हो जाएगा और मैट्रिक्स सॉल्यूशन देगा, और आफ्टर सॉल्यूशन उसको पोस्ट प्रोसेसर बोलते हैं। पोस्ट प्रोसेसर में हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर कितना स्ट्रेस है, कितना डिफॉर्मेशन है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, कितना टेम्परेचर आया है, ये सब हम लोग पोस्ट प्रोसेसर में देखते हैं। और पोस्ट प्रोसेसर थ्रू जो भी इमेजेस है उसके बाद एक डिजाइन लेवल पे फीडबैक जाता है, मतलब इट इज अ शेप और नॉट शेप। इफ इट इज अ नॉट शेप देन गो फॉर द रीडिजाइनिंग योर पार्ट, इफ इट इज अ शेप देन गो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। मतलब अगर वो ओवर शेप है, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, 8 या 10 आ रहा है तो वी गो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए जा सकते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये हो गया आपका सीए टूल का। अभी हम लोग सेल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग एक बार देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में वो एग्जैक्टली क्या होता है उसका। ओके, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे। ये आपका एंसिस है, एंसिस 14.5। ओके, एंसिस 14.5 मींस व्हाट, कि एंसिस का 14.5 वर्जन है, इसको वर्क बेंच बोला जाता है। वर्क बेंच के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक स्टैटिक एनालिसिस करके देखेंगे। स्टैटिक स्ट्रक्चरल पे यहाँ पे देखो डिजाइन असाइनमेंट है, एक्सप्लिसिट डायनेमिक है, फ्लूइड फ्लो है, सीएफएक्स है, बाद में हार्मोनिक रिस्पॉन्स है, लीनियर बकलिंग है, मॉडल है, रैंडम वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, रिजिड डायनेमिक, स्टैटिक स्ट्रक्चरल, स्टेडी स्टेट थर्मल, थर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्रू फ्लो, ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, ट्रांजिएंट थर्मल, मतलब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यू कैन डू। इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल के भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो गो फॉर द स्टैटिक स्ट्रक्चरल मीन्स बेसिक एनालिसिस। स्टैटिक स्ट्रक्चरल के ऊपर हम लोगों ने डबल क्लिक किया तो हमारा एक नया विंडो चालू हो जाता है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए बी सी, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। सेम यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है प्री प्रोसेसर में कि ज्योमेट्री एडिटिंग, अप्लाइड लोड, अप्लाइड कंस्ट्रेंट, एफईएम मॉडल मेशिंग और डिफाइन द मटेरियल प्रॉपर्टीज। ओके, अभी हम लोग को ज्योमेट्री अगर ऐड करने का है तो यू कैन गो फॉर द ज्योमेट्री, राइट क्लिक, इंपोर्ट ज्योमेट्री, ब्राउज में जाएंगे, जो भी हम लोग को ज्योमेट्री मिल जाएगा हम लोग जो ज्योमेट्री लिखाएंगे। हेलो, अगर हम लोग को इसमें से ज्योमेट्री नहीं लेना है, समझो यही ज्योमेट्री हम लोग को यूज नहीं करना है, तो यू कैन गो फॉर डबल क्लिक ऑन ज्योमेट्री। आप ज्योमेट्री यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, मैं डायरेक्टली निकल के दिखाता हूँ।
मिलीमीटर में चाहिए हम लोग को, ये आपका पूरा ये हो गया एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन लुक एट स्केचिंग में स्केचर रेक्टेंगल डायमेंशन में जाओ, जनरल डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन है अपना 50 mm का, सेकंड डायमेंशन है हमारा 20 mm का। फिफ्टी और 20 mm जनरेट करेंगे, एक्सट्रूड अप्लाई एड मटेरियल है, इसका जो लेंथ है वो 500 mm लेंगे, 500 mm जनरेट। देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हमारा बार जनरेट हुआ है। अभी इसको क्लोज करेंगे, ज्योमेट्री क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे क्या क्या बताया कि पहले ज्योमेट्री एडिटिंग, हमने ज्योमेट्री एडिटिंग किए अप्लाइड लोड। अभी मॉडल में जाने के बाद डबल क्लिक करो उसके ऊपर, फिर हम लोग स्टार्टिंग मैकेनिकल, एक मैकेनिकल का विंडो नया ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये विंडो हम लोगों ने ओपन किया, देखो ये ज्योमेट्री आ गए। तो ज्योमेट्री का अगर हम लोग मेश पे जाएंगे और अपडेट करेंगे तो ऑटो मेश यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेता है कि ऑटो मेश ले लेगा। अभी यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाई देंगे 393, नंबर ऑफ एलिमेंट 40 है। साइजिंग में जाएंगे, जो मैंने बोला था कि अगर फोर्स मेश लिया तो आपको नंबर ऑफ नोड्स और एलिमेंट कम रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने फाइन मेश लिया और फिर से अपडेट किया तो नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाएंगे। यू कैन गो फॉर ईयर, देखो नंबर ऑफ नोड्स 8000 हो गए थे, 93393 थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट तो कुछ टू डिजिट में थे डायरेक्टली 1400, ओके 1449 के एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज हो गए और वो ज्यादा हो गए। अभी हम लोगों को जाने का है कि मटेरियल प्रॉपर्टी, सॉलिड के ऊपर जाएंगे, स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील अगर हम लोगों को नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ से न्यू मटेरियल ऐड कर सकते हो। स्ट्रक्चरल स्टील मतलब क्या, जो हमारा प्लेन एमएस रहता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं। बाद में अप्लाइड द लोड, अगर हम लोग लोड अप्लाई के लिए जाएंगे तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल में लोड फोर्स अप्लाई करना है, और कंस्ट्रेंट अप्लाइड द कंस्ट्रेंट में क्या है कि सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करने का है यहाँ पे है, अप्लाई करो। फोर्स की डायरेक्शन अगर हम लोग को देखने का है तो यहाँ पे वाई प्लस है, तो वेक्टर के वाई का 500 न्यूटन, तो वाई की वो डायरेक्शन हो गई। सॉल्यूशन में हम लोग को डिफॉर्मेशन लेना है और स्ट्रेस लेना है। ये हो गया आपका पूरा प्री प्रोसेसर। अभी प्रोसेसर के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो प्रोसेसर में चला जाएगा। प्रोसेसर इटसेल्फ डूइंग दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड गिव्स यू रिजल्ट। जैसे ही हमारे रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट इटसेल्फ एज अ पोस्ट प्रोसेसर, मतलब ये हो गया पूरा प्री प्रोसेसर। सॉल्व के लिए गए तो प्रोसेसर में गए और उसके बाद जो भी सोल्यूशन आया टोटल डिफॉर्मेशन और इक्विवेलेंट स्ट्रेस, देखो डिफॉर्मेशन आ गया 3 mm का और इक्विवेलेंट स्ट्रेस आ गया 47.77 MPa का, तो इसका डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस आ गया, तो इसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसर। ये इसका एनिमेशन है कि कैसे उसका होगा, स्ट्रेस कैसे कैसे जनरेट होगा। टोटल डिफॉर्मेशन का एनिमेशन, डिफॉर्मेशन कैसे होगा। इसको बोलते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग उस सेम प्रोसेस को हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में वर्कआउट करके देखा। जो हमारा जो सी का जो टूल्स है उसको प्री प्रोसेसर, सॉल्वर और पोस्ट प्रोसेसर।